नमस्कार किसान भाइयों, कृषि भाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुक करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑनलाइन भुगतान करने पर ही मिलेगी अनुदान राशि। खेतों में जलाशय बनाने सरकार दे रही 80% की सब्सिडी। 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी पीएम व्यय वंदना योजना। किसान परिवार को मिलेंगे 22,000 रुपए सालाना। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब प्रदेश के किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए फर्मों को ऑनलाइन भुगतान करना होगा। बता दें कि राज्य सरकार का कृषि विभाग कई योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान देता है, लेकिन कई किसान यंत्रों के भुगतान में हेराफेरी कर देते हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। अब कृषि विभाग के पास कृषि यंत्र की खरीद की ऑनलाइन रसीद जमा करने के बाद ही किसानों को अनुदान दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से जरूरतमंद किसानों को योजना का लाभ मिल सकेगा। देश में लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण पानी की कमी आ रही है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल योजना शुरू की है। इसका लाभ लेकर हरियाणा के किसानों ने फलों और सब्जियों के उत्पादन में 52% की वृद्धि की है। ये जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सरकार व्यक्तिगत आवेदक को खेत में ही जलाशय के निर्माण पर 70% की दर से अनुदान देती है, तो वहीं किसान समूह के सदस्यों को 85% अनुदान दिया जाता है। बता दें कि राज्य में अब तक ड्रिप मिनी स्प्रिंकलर और पोर्टेबल स्प्रिंकलर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के लिए 58,000 एकड़ खेतों के करीबन 19,517 लाभार्थी किसानों को 179.94 करोड़ की सहायता यहां पर दी जा चुकी है, तो वहीं जलाशय बनाने के लिए भी लाभार्थियों को कई करोड़ रुपए बांटे। भारत सरकार प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को 1 अप्रैल से बंद करने जा रही है, यानी कि 1 अप्रैल के बाद इस योजना में आप पंजीयन नहीं करा सकेंगे। इसलिए जल्द से जल्द इस योजना में आवेदन करके लाभ ले लें। इस योजना के तहत एक मुश्त निवेश करने पर मासिक पेंशन मिलती है। योजना में मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक पेंशन का प्रावधान है। योजना के तहत 1,000 रूपये मासिक पेंशन के लिए करीबन 1.62 लाख रूपये का निवेश करना होता है। योजना में अधिकतम मासिक पेंशन 9,250 रूपये तक मिल सकती है। आप नजदीकी LIC शाखा में जाकर जानकारी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसान परिवार सरकार की तरफ से उन्हें अब सालाना 22,000 रूपये दिए जाते हैं। प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पर 3 किश्तों में सालाना 6,000, तो वहीं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सालाना 2 किश्तों में 4,000 रूपये दिए जाते हैं। इस तरह एक किसान को साल भर में 10,000 रूपये मिलते हैं। अब प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के लिए भी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रूपये दिए जाएंगे। इस तरह एक किसान परिवार सरकार की तरफ से सालाना 22,000 रूपये प्रदान प्राप्त करेगा। आपको बता दें कि लाडली बहना योजना के लिए 5 मार्च से पंजीयन शुरू हो रहे हैं। इच्छुक महिलाएं इसका लाभ ले सकते। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।